हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद निश्मन सो हम चैप्टर टू का इंट्रो कर चुके हैं बच्चे चैप्टर टू इज पोलिनियल चैप्टर टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज टू पॉइंट वन ओके सो टू पॉइंट वन के स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको इस एक्सरसाइज की इंट्रो का भी पता होना चाहिए इसमें आपका क्या है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ओके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं तो वो कैसे निकालते हैं देखो जीरोज़ निकालने के लिए आपके बहुत सारे मैथड्स हैं मैथमेटिकल मैथड भी है ग्राफिकल मैथड भी है राइट right? तो आपका ग्राफिकल मैथड क्या बोलेगा कि एक आपके पास बाय चांस एक फिगर दिया होगा राइट right? उसमें आपका ग्राफ शो किया गया होगा ये हमारा एक्सेक्सेज होता है यू ऑलरेडी नो ये हमारा ऑरिजिन होता है बाई चांस आपको एक ग्राफ दिया गया होगा फॉर एग्जाम्पल दिस ओके तो यहाँ पर आपको बाय चांस बोला जाए कि आपको कोई नंबर दिया गया है पी एक्स फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोम ऑफ पी एक्स टचिंग एक्स एक्सिस तो आपने ये देखना है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच करता है वेरी इजी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ग्राफ जो है टू प्लेसेस पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को यू कैन सी इन द डायग्राम एक यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है है ना बच्चे सी तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया जो नंबर है हमारा वो इसको टू टाइम्स टच कर रहा है है ना सो वट यू विल से इज दैट दिस ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट टू प्लेसेस सो द जीरोज ऑफ पी एक्स इज टू जितनी बार टच करेगा आपको उतनी बार ये बता देना है कि ये टू कितनी जगह टच कर रहा वो ही है वही उसके जीरोज हैं ओके सो कमिंग बैक टू एक्सरसाइज 2.1 2.1 का आपका आई थिंक एक ही क्वेश्चन है एंड इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट आपका 2.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके सब पार्ट्स है वेरी इजी मान के चलिए बट जस्ट आपको एग्जाम वो जो दिया गया क्वेश्चन उसको रीड करो और उसको देख के बताओ कि कितनी जगह वो टच कर रहा है ओके okay, तो आपका क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप अपनी बुक्स भी खोल लीजिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ बी एक्स गिवन इन दीज डायग्राम्स टचिंग द एक्स एक्सिस राइट ऐसे दिया गया तो फर्स्ट का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बच्चे उसमें क्या है ये हमारा एक्स एक्सेस है राइट right? ये हमारा वाई एक्सीज है ओके okay, तो यहां पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप फर्स्ट पार्ट में देखो वो एक लाइन जा रही है स्ट्रेट बट वो एक्स एक्सिस को टच कहीं नहीं कर रही है वाई से ही पास आउट हो रही है है ना यू कैन सी इट देख लीजिए आप अपनी बुक्स में तो वहां पर आपने सिंपल क्या देखा है सिंस ग्राफ इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस यू कैन सी यहां पर कहीं भी एक्स एक्सेज को कुछ टच कर ही नहीं रहा है सो इट्स नॉट टचिंग एट ऑल यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई हैं नंबर ऑफ जीरोज जीरो वेरी इजी इफ इट इज नॉट टचिंग एनी वेयर राइट इट हैज़रो जीरो नंबर ऑफ इट्स जीरोज ओके सेकेंड पार्ट पे आ जाइए बच्चे सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है डायग्राम में आप देखो जो ग्राफ है वो कुछ इस वे में है ये हमारा एक्सिस है ये हमारा वाई है है ना? तो यहां पर देखो अगर हम x एक्सिस को, क्योंकि क्वेश्चन में आपको x एक्सिस दिया गया बच्चे अगर y दिया होता अगर आपको ऐसे लिखा होता पी वाई निकालो तब हम y की चेक करते हैं। अब आपको दिया गया है x एक्सिस x एक्सिस में कितनी जगह टच कर रहा है जस्ट वन है ना यू कैन सी हर इट्स टचिंग जस्ट ओनली वन सो आपने वही लिखना है द ग्राफ is touching x axis at one place so number of zeros is one very easy first part and this second part okay now moving to next part नेक्स्ट पार्ट में क्या है बच्चे थर्ड पार्ट में हमारा थर्ड पार्ट में देखो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड इट्स लाइक दैट दिस है ना? तो यहां पर फाइंड आउट करो अब आप खुद से देखो एक्स एक्सिस हमारा कौन सा ये यहां पर कितनी बार टच हो रहा है ग्राफ वन टू थ्री टच का मतलब होना चाहिए उसको क्रॉस कर रहा हो ओके ना तो वन टू थ्री कितनी टाइम हुआ थ्री टाइम्स सो इसकी जीरोज भी क्या होंगी थ्री सो इजी मूविंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट का डायग्राम देखिए बच्चे अपनी बुक से बुक खोल लीजिए सब बच्चे इट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ यू है ना तो यहां पे भी आपको ये नहीं देखना हो ये तो पॉजिटिव साइड पे जा ही नहीं रहा है ए की साइड है नहीं जस्ट सी एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है वन एंड टू टू टाइम्स सो पी एक्स हमारा कितना हो जाएगा टू राइट कमिंग बैक टू फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट का डायग्राम देखिए बच्चे अच्छे से देखना है बिल्कुल वहाँ पर आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज नहीं होना है जो भी पूछा जाए पी का देखा जाए तो आपने जस्ट पी की ही एक्सिस पे देखना कितनी जगह डायग्राम टच कर रहा है सॉरी कर्व इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट राइट सीट प्रॉपरली एक्स एक्सेस में वन टू थ्री एंड फोर फोर टाइम्स तो पी एक्स हमारा कितना हो गया फोर ओके नेक्स्ट डायग्राम देख लीजिए लास्ट पार्ट हमारा इसमें कैसे गिवन है ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको फिर इसके चांसेस भी होंगे एग्जाम में आने के अच्छे से देख लो ये ऐसे है ऐसे एंड दिस लाइक दिस इन योर बुक ऐसे ही है ना बच्चे अब आप यहाँ पे मैं यहां पे कहोगे मैम यहां कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे ये टच कर रहा है देखना तो ये ना कितनी जगह टच कर रहा है वन टू टच कर रहा है ना जस्ट सिंगल थ्री सो थ्री टाइम्स पी एक्स कितना हो गया थ्री बच्चे इसमें जस्ट ये चेक करना है कि कहाँ टच अगर ये ऐसे करके ऐसे आ रहा तो फिर तो टू हो जाता है यहाँ से तो बस टच करके ऊपर चला गया वन टाइम ओके सो टू पॉइंट वन इज वेरी बेसिक एक्सरसाइज यू जस्ट हैव टू रीड द डायग्राम केयरफुली एंड सी हाउ मेनी टाइम्स अ कर्व इज क्रॉसिंग और टचिंग द एक्स एक्सेस, एंड इफ इट इज टचिंग दैट नंबर ऑफ टाइम्स इट इज द इट इज इट्स जीरो इजी दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज टू पॉइंट वन इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है एक ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपको करना है कर लीजिए अदरवाइज इट्स वेरी बेसिक एक्सरसाइज इंट्रो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी है इस चैप्टर की गो थ्रू हो जाइए बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो ऑल द बेस्ट अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब